एडवांस एक्सेल की आज दूसरी क्लास है आपका कस्टम ट्रेनिंग का। पहली क्लास में हमने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड पिवट टेबल के बारे में डिस्कस किए थे, और आज के इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वी लुकअप एडवांस वी लुकअप के बारे में। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, शुरुआत में ठीक रहेगा लेकिन आगे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ओके तो सबसे पहले हम बात इस बात को जानते हैं कि हम वी लुकअप का यूज करते क्यों हैं। ठीक है, वी लुकअप को हम लुकअप मेथड कह सकते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर यूनिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग डेटा को लुकअप करना। जैसे आप बैंक में जाते हैं, अपना अकाउंट नंबर देते हैं, बैंक मैनेजर अपना अकाउंट नंबर जैसे एंटर करता है, उसके डेटाबेस से आपके अकाउंट की सारी डिटेल सामने दिख जाती है। या फिर आप लोग मान लीजिए कि आपके रिजल्ट जब निकलता था तो रिजल्ट के लिए आप लोग एक वेबसाइट पे जाते थे और वहां पर अपना रोल नंबर डालते थे, सबमिट करते थे, तो आपका पूरा रिकॉर्ड जो है रिजल्ट निकल कर आ जाता था। ये जो चीजें जो आती है वो आती है लुकअप मेथड से, इसी को लुकअप मेथड कहते हैं कि आपके अकाउंट नंबर आपके रोल को रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो सर्च करता है और सर्च करके डेटाबेस से ढूंढ के दिखाता है, लाखों में से एक को ढूंढ लेता है। ठीक है, ओके तो चलिए हम इसी सेशन में आगे चलते हैं। तो आपके सामने एक डेटा है जिस डेटा पे हमने कल डिस्कस किए थे। तो इसमें क्या है, एक इंप्लॉय कोड है, एक आपको कोड दिख रहा है, एक इंप्लॉय कोड है। तो मान लीजिए कि आपको आपके एचआर ने या फिर आपके किसी पर्सन ने आपको कुछ रिकॉर्ड कुछ रोल नंबर्स भेजे, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 95 हो गया, 32 हो गया, इस तरह के। आपसे पूछा गया कि इनकी इस रिकॉर्ड रोल नंबर के रिकॉर्ड्स को मुझे इसका डिटेल्स बताइए। ठीक है, तो एक डिटेल्स आपसे मेल पे मांगा गया है। अब प्रॉब्लम है कि मेरे पास यहाँ पे हजारों एम्प्लॉय का डेटा है, अब इस डेटा में से मुझे सिर्फ जो है 5 या 10 या 15 या 100 लोगों का रिकॉर्ड्स निकाल के देना है। किसके बिहाफ पे? एम्प्लॉय कोड के बिहाफ पे। ठीक है, तो यूनिक नंबर होना जरूरी है। यूनिक नंबर होना इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए बैंक में आप जाकर बोलोगे कि यार मेरे खाते में पैसा डाल दो, तो आपसे आपका नाम नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा आपका नाम क्या है, पूछेगा आपका अकाउंट नंबर क्या है। उसी तरीके से एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए तभी डेटा मैच कर पाएगा उसका। तो यहां पे यूनिक हमारा एम्प्लॉय कोड है। तो अगर हम वी लुकअप जैसे लुकअप मेथड का इस्तेमाल ना करें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 5 को उठा के इसमें सर्च करना पड़ेगा कंट्रोल एफ 5 और 5 और फिर इसको कॉपी कर, एक मिनट गलत हो गया है, फाइव सर्च होगा, फिर इस डेटा को उठा के कॉपी करके फिर यहां हम पेस्ट करेंगे। ये हमें वन बाय वन करना पड़ेगा, 4-5 है तो चलो आप ढूंढ लोगे, लेकिन जहां पे 4-500 हुए वहां पे तो काफी मुश्किल हो जाएगी। तो यहां पे हम इस्तेमाल करते हैं वी लुकअप मेथड। तो वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप, मतलब डेटा अगर आपका इस तरह से वर्टिकली है तो आप वी लुकअप का इस्तेमाल करोगे। तो वी लुकअप लगाते हैं, लुकअप के इनपुट चाहिए लुकअप वैल्यू टेबल एरिया कॉलम इंडेक्स नंबर एंड लुकअप रेंज। ओके, तो इसने हमें 6 को ढूंढना है, तो हमने इसको लुकअप वैल्यू मतलब किसको ढूंढ, किसके बिहाफ पे आप ढूंढना चाहते हो, मैं 6 के बिहाफ पे ढूंढना चाहता हूं, इसलिए 6 को हम सिलेक्ट करेंगे। टेबल एरे कि किस में सर्च करना है, हमने एक टेबल सेलेक्ट कर लिया,
ठीक है, ओके हाँ फ्रीज में आता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि सिक्स, देखिए कि सिक्स को ढूंढा, तो सिक्स को ढूंढने के बाद इसको कितने रिकॉर्ड्स मिल गए, 15-20, 8-10 रिपोर्ट रिकॉर्ड्स मिल गया ना। इसमें फुल नेम है, हायर डेट है, सैलरी है, बोनस है, ओवर टाइम है, डिपार्टमेंट्स है, लीव है एंड परफॉर्मेंस स्कोर है। अब स्पेशल रूल ये कहता है कि एक सेल पे आप किसी एक सेल का ही डेटा शो कर सकते हो, किसी एक सेल का डेटा ही शो कर सकते हो। मतलब कि आप खाए तो नेम दिखा सकते हो, खाए तो आप डेट दिखा सकते हो। तो वी लुकअप को ये बताना होता है कि आप क्या दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें आपको नंबर्स बताना पड़ेगा, किससे बताना पड़ेगा, नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो हमें नेम चाहिए तो वन एंड टू, हम यहां पे टू यूज करेंगे। और यहां मिस्टर कुणाल, मैं स्पीक टू मिस्टर कुणाल। आई एम सुजीत फ्रॉम एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर। हेलो मिस्टर कुणाल, आई एम सुजीत। हेलो सर, आई एम सुजीत फ्रॉम एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर। ये वो सब चलिए दोबारा से हम आपको बताते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्या लगाना है, यहां पे इक्वल वी लुकअप हमें सिलेक्ट करना है। लुकअप वैल्यू किसके अकॉर्डिंग आप सर्च करना चाहते हो, उसके बाद हम इस पे जाएंगे डेटा पे, डेटा को सिलेक्ट कर। ध्यान रखिएगा ये लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट करता है, जो आपका यूनिक नंबर है ना, हाँ उस यूनिक नंबर को ही आप कीजिएगा। ठीक है, मतलब उसका जो पहला कॉलम जो होगा हमारा वही यूनिक नंबर होगा। अच्छा उसके बाद सिलेक्ट, यहां सिलेक्शन कर लिया हमने। और जैसे कि मैंने बताया कि स्प्रेडशीट जो है एक बार में किसी एक ही सेल को शो कर सकता है, लेकिन सिक्स के बिहार पे इसको कई सारे सेल्स मिले हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको नेम देखना चाहते हैं, आया डेट या सैलरी क्या देखना चाहते हैं। तो उसको आपको नंबर बताना पड़ेगा कॉलम नंबर के अकॉर्डिंग, कॉलम का जो सीरियल नंबर है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे कि यहाँ पे वन कोड हो गया, दो हमारा ये नेम हो गया, तो कॉमा टू करेंगे। और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के आपको एग्जैक्ट मैच करना है, तो आप फॉल्स को सिलेक्ट कीजिए या फिर जीरो भी दे सकते हैं। तो फॉल्स और जीरो एक ही जैसा यहां पे ये होता है, चाहे फॉल्स कर लीजिए या फिर जीरो कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका नेम आ गया सिक्स के अकॉर्डिंग। और अब चेंज करते हैं, मान लीजिए सेवन कर दिया तो नाम ऑटोमेटिक सेवन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी उसके बाद हायर डेट है, तो इसके लिए वो अगेन वी लुकअप, पर एक सेल के लिए, एक कॉलम के लिए एक ही वी लुकअप लगेगा, फिर दूसरे के लिए आपको फिर दोबारा से वी लुकअप लगाना पड़ेगा। और इस बार जो है सीरियल नंबर चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे हो जाएगा कॉमा 3 कॉमा 0, यहां पे तीसरा नंबर आ गया।
सैलरी के लिए अगेन वापस ऐसा नहीं कर सकते कि हम सारे बता ऐसा रहा नहीं हूँ कर सकते हम सारे को एक साथ सेलेक्ट वन बाय वन बता रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। ओके फिर कॉमा हमने दे दिया 1 2 3 4, हमने 4 दिया कॉमा 0 एंड अगेन इसके लिए वी लुकअप हमने सेलेक्ट किया। तो वी लुकअप आपको समझ में आ गया ना, वी लुकअप कैसे लगता है और क्या काम है और इसके अंदर क्या क्या डालना होता है, ये समझ में आ गया ना कि 5 क्या है, कॉमा 0 क्या है, ये सब चीज समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी आगे चलिए एक बार और समझा देता हूँ। इसमें हमें लुकअप वैल्यू देना है और इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि जो इम्प्लॉय कोड को आप सर्च कर रहे हो तो डेटा में आप इम्प्लॉय कोड से ही सिलेक्शन आगे करोगे, स्टार्टिंग में इम्प्लॉय कोड होनी चाहिए। अगर स्टार्टिंग में इम्प्लॉय कोड नहीं है तो फिर सर्च नहीं करेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और मान लीजिए कि इम्प्लॉय कोड आपको अगर डी कॉलन में है तो आपको डी से स्टार्ट करने पड़ेगा, ए और बी सी को छोड़ना पड़ेगा, ओके ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ जी 6, 0। अब जैसे कि आपने बताया कि एक बार नहीं कर सकते हैं ऐसा कुछ, तो हम ड्रैग कर सकते हैं। चलिए आपको नीचे हम ड्रैग करके बताते हैं कैसे ड्रैग करेंगे। हम वी लुकअप सेलेक्ट किया, कॉमा 0, फॉर्मूला में गए हमने सेलेक्ट किया एंड कॉमा हमने 2, 0 दे दिया। अब मुझे आगे की तरफ मुझे ड्रैग करना है, मैं एक एक चीज को लिखना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ कि ड्रैग हो जाए, ठीक है? हाँ जी तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहां पे फ्रीज करेंगे। मैं 4 के ए के आगे डॉलर लगा दूंगा, क्योंकि जब मैं इसको कॉपी करके यहां पेस्ट करूंगा ना या ड्रैग करूंगा तो क्या होगा कि रेफरेंस चेंज हो जाएगा। रेफरेंस क्या चेंज हो, देखिए यहां पे आपको A4 है, यहां पे आपको B4 हो जाएगा, यहां पे आपका A से I है और यहां पे आपका B से J हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को रोकने के इसके लिए लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस चीज को रोकने के लिए डॉलर हमें लगाना पड़ेगा डॉलर A4 का के आगे। हाँ, A के आगे हमने डॉलर लगा लिया ताकि 4 का आगे नहीं लगाना है, 4 का आगे लगाए नहीं लगा क्योंकि जब नीचे ड्रैग करें तो 4, 5 बनना चाहिए ना, तभी तो ये 95 को पिक करेगा। अगर 4 का आगे डॉलर लगा देंगे तो 10 को रखा तो 10 को देखेगा। ठीक है, हाँ जी तो इसलिए हम सिर्फ एक आगे लगाएंगे डॉलर और यहां भी लगा देंगे तो इसका शॉर्टकट F4 होता है, F4 से भी दोनों तरफ डॉलर लगा सकते हैं। ठीक है, अब फिर इसको हम आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे, लेकिन सब में नेम आ गया क्योंकि इंक्रीज आपका ये हुआ है, हमने फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हुआ है, सब पे तो 2 ही है ना, इस 2 को हमें रोकना है कि 2 जो है वो आगे ना बढ़े। तो यहाँ पे एक तरीका है कि मैनुअल जाके अब सिर्फ आपको यहाँ नंबरिंग तो चेंज करना है, इतना तो कर ही सकते हो, तो आपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपना नंबर यहाँ पे चेंज कर दीजिए, लेकिन प्रॉब्लम है कि चलो 4, 5 या 10, 20 होंगे तो हम चेंज कर लेंगे, लेकिन जहां पे अगर ज्यादा हुआ जैसे कि 50, 60 कॉलम हुए तो चेंज करने में दिक्कत हो जाएगी क्या? तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में यहां पे एक और तरीका है, दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप ऊपर किसी कॉलम में 2, 3 करके ड्रैग करके लिख दे, अपने सीक्वेंस नंबर लिख दे पहले या ड्रैग कर दे, ठीक है? फिर मैं वी लुकअप लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, सीट में डेटा में जाऊंगा और डेटा को सिलेक्ट करूंगा और यहां पे मैनुअल 1, 2 लिखने के बजाय यहां पे हम अपने इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हाँ
और यहां पे कॉमा जीरो करते हैं या फॉल्स कर दें, और आगे ड्रैग करने से पहले इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, इसको वी सिलेक्ट डॉलर से फ्रीज कर देता हूं, फिर आगे की तरफ इसको ड्रैग कर दीजिए, ऑटोमेटिक हो गया। या फिर हमारे पास एक कॉलन का फॉर्मूला होता है, कॉलन फॉर्मूला क्या करता है कि इसके इसके अंदर जो भी आप कॉलम सेल रेफरेंस देंगे उसका कॉलम नंबर देगा। जैसे मैंने B3 दे दिया तो B कॉलन है, यहाँ पे इसने B कॉलन दे दिया। यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2 ही तो चाहिए और 2 हमारा अधिकार का दे रहा है, तो इस केस में यहाँ पे हम वी लुकअप लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया, और जहां पे हम कॉलम का नंबर देते हैं वहां पे हम कॉलम नाम का फॉर्मूला और उसमें इस नेम को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, पूरा इसमें अभी दिखा नहीं, अब दिखा फॉर्मूला दिखा आपको? स्लो है, केवल फॉर्मूला दिखा, उसके बाद आपने जो एंटर किया वो नहीं दिखा। एंटर तो नहीं किया ही ना मैंने, अब एंटर किया मैंने। ठीक है, दिख गया। दिख गया? हाँ जी। और इसको हम आगे इसको प्लेन ड्रैग करने से पहले हमें फ्रीज करना पड़ेगा। और इसको आगे ड्रैग कर दीजिए। एक तरीका हमारा ये है। ओके। ठीक है। हाँ जी। दूसरा होता है कि अगर थोड़ा बहुत अगर आपको फर्क है आपका, मतलब कि ऐसा आपको लग रहा है कि छोटा मोटा फर्क है और आप सीक्वेंस नहीं है, आप ड्रैग नहीं कर सकते क्योंकि अनसीक्वेंस में दिक्कत हो जाएगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें यहां पे हम VLOOKUP लगाएंगे, इसको सिलेक्ट किया, या फिर किसी ने पूछा, और मैं एक स्टोरी बता सकता हूं इसमें, मैं जब एक इंटरव्यू के लिए गया था एक कंपनी में, तो मुझसे एक सवाल पूछा गया, मेरे एक जवाब पे मेरा सिलेक्शन हो गया था, इसके बाद उसने कुछ पूछा नहीं मुझसे, धीरे धीरे मेरे हाथ में ऑफ लेटर लगा दिया। उसने पूछा कि उनके पास कुछ ऐसा ही डेटा था, ठीक है, कुछ ऐसा ही डेटा था, उसमें उन्होंने बताया, बोला कि हमें डेटा यहां से उठ के चाहिए, डेटा यहां पे आप देख रहे हो अलग अलग VLOOKUP है,
ठीक है, मैं अलग अलग वी लुकअप नहीं हाँ लगाना चाहता हूं, आप एक सेल पे वी लुकअप लगाओ और ऑटोमेटिकली सब पे सारा रिजल्ट्स दे दे, नहीं समझे कि मैं एक ही वी लुकअप लगाना चाहता हूं, नहीं मैं एक ही ओके सेल पे वी लुकअप लगा, एक ही वी लुकअप मैंने एक ही फॉर्मूला लगाना चाहता हूं और वो फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूले की मदद से मेरे पास जितने भी मेरा ये है माने कि डेटा है वो डेटा सारा आना चाहिए, एक फॉर्मूले से पूरा का पूरा डेटा आना चाहिए, समझ में आया? ओके तो इसमें तो स्पेसिटी का वो अगेंस्ट था कि स्पेसिटी तो ऐसा कर ही नहीं सकता ना, क्या बोलना है, क्योंकि स्प्रेडशीट एक बार में कोई एक ही माने कि वैल्यू दे, सेल वैल्यू दे सकता है, यहां पे बोलना है कि नहीं पूछा चाहिए, तो उनके लिए मैंने एक बताया था तरीका निकाला था, तरीका क्या था देखिए, तरीका था कि मैंने यहां पे वी लुकअप लगाया, इसको सेलेक्ट किया और मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, ऑफलाइन आ गया यार, और पूरे एक एरिए को सिलेक्ट कर लिया, कर्ली ब्रैकेट में कॉमा देके कर्ली ब्रैकेट में नंबर्स दे दिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड कर्ली ब्रैकेट हमने क्लोज कर लिया एंड कॉमा जीरो एंड ब्रैकेट को क्लोज किया। अब यहां पे हमें नॉर्मल इंटरफेस नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आ गया समझ में? हाँ जी तो इस तरीके से हमने इस्तेमाल कर लिया, ओके। अब इसमें हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मेरा जो हेडिंग है वो हेडिंग बार बार चेंज होता है, तो अभी यहां पे फुल नेम आया डेट सैलरी बोनस है, कल के लेट पे यहां पे बोनस हो जाएगा और बोनस के जगह पे फुल नेम हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, तो मुझे बार बार वी लुकअप लगा के कॉलन का नंबर चेंज करना पड़ेगा ना, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे मान लीजिए कि 3 था, हाँ जी हाँ जी, तो वहां पे कुछ और हो सकता है, यस तो इसके लिए क्या करें, तो हमारे पास एक मैच का फॉर्मूला होता है, मैच वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से चलता है, ओके और क्या करता है कि लुकअप करता है वैल्यू को, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया कॉमा, अपने डेटा के कॉलन पे गया कॉमा जीरो, तो ये क्या करेगा कि जो बोनस है इसका दे देगा, नहीं नहीं एक बार फिर से समझाना आप। देखिए ना फॉर्मूला एक लगा बार फिर था, से हमने इसको सिलेक्ट किया लुकअप वैल्यू, उसके बाद हमने डेटा के हेडिंग पे गया, जो हेडिंग है ना इस हेडिंग पे गया और कॉमा जीरो पर एग्जैक्ट मैच कर दिया, ओके
तो इससे क्या होगा, इससे क्या, अगर हम इन फ्यूचर अगर हम अपना नाम मतलब किसी भी रो में नाम चेंज करते हैं तो वो अपने आप ले लेगा। हाँ ओके जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख लीजिए ना, मैंने यहाँ पे फुल नेम दे दिया, तो फुल नेम डालते हैं, फुल नेम का जो ए है चेंज कर दो। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, जी आगे। हाँ आगे बताता हूँ आपको। तो हमें दिक्कत क्या था, दिक्कत हमारे ये कॉलर नंबर से ही था ना। हाँ तो हम क्या करेंगे, यहां पे इक्वल वी लुकअप लगाएंगे और डेटा को हमें लुकअप वैल्यू, मान लीजिए कि मान लीजिए आप मुझे 65 को सर्च करना है, वी लुकअप लुकअप वैल्यू डेटा में गए और यहां जहां पे कॉलम है वहां पे हम मैच फॉर्मूले को सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर मैच फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं। याद है कल के डेट में यहां पे अगर जैसे मैं यहां पे बोनस डालता हूं तो ये ऑटोमेटिक बोनस का डेटा दिखा देता अच्छा, मतलब वी लुकअप लगाने के बाद वो डेटा शीट डेटा को पूरा सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो मैच वाला फॉर्मूला लगेगा उसको सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप वो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। है। हाँ क्योंकि तो जैसे यहां पे हम डालेंगे तो मैच अपना रिजल्ट चेंज करेगा, जैसे मैच अपना रिजल्ट चेंज करेगा यहां पे डेटा आपको रिकॉर्ड आ जाएगी। तो पूरी रो तो पूरा वर्टिकल जो है सारा डिटेल चेंज हो जाएगा उसका। हाँ तो सब में लगाना पड़ेगा ना, हमें एक में लगाया इसमें सब में लगा दीजिए इसी मेथड से, आपको तो सब में चलना है। ठीक है हाँ जी चलिए आगे बढ़े। हाँ जी तो ये हमारा वी लुकअप के साथ, मैच के साथ वी लुकअप एंड वी लुकअप हमने नॉर्मल आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि यहां पे एच लुकअप की, ठीक है, एच लुकअप कब लगेगा, ओके जैसे डेटा मेरा हॉरिजॉन्टल है, हाँ पेस्ट इस, हम यहां पे इसी को पेस्ट स्पेशल, अब पेस्ट स्पेशल मैंने कर दिया ट्रांसपोज, अब मैं यहां पे चाहता हूं कि 8वें नंबर का मुझे अब सैलरी पता करना है। ओके मैं चाहता हूं 8वें नंबर का हाँ जी सैलरी पता करना, सैलरी पता करना। तो प्रॉब्लम है कि वी लुकअप तो मैं लगा नहीं सकता क्योंकि वी लुकअप को चाहिए वर्टिकल डेटा, इसलिए उसका नाम वी लुकअप पड़ा हुआ है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि जो आपका यूनिक रिकॉर्ड्स है वो आपका हॉरिजॉन्टल में है और आपको इस तरह से सर्च करना है टॉप टॉप टू बॉटम, न कि लेफ्ट टू राइट। तो यहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे हम यूज करेंगे एच लुकअप,
ठीक है, इस्तेमाल करेंगे एच लुकअप। तो यहां पे देखते हैं एच लुकअप, हाँ जी सेम लगाने का तरीका सेम है जैसे वी लुकअप में था, लुकअप वैल्यू टेबल एरे एंड रो नंबर, जो इसका रो नंबर है वो नंबर देना पड़ेगा, जैसे वन टू थ्री जो कितना है आपका ये चौथे नंबर पे, तो चौथा नंबर मतलब लुकअप में आप कॉलम देते थे, इस लुकअप में आप रो देंगे, एंड एग्जैक्ट के लिए आपने जीरो दिया एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, ये क्या इसका भी सेम काम है जो एच लुकअप का काम है, डेटा आइडेंटिफाई करना, बस अच्छे ये रो वाले चीज को शो करेगा, अरे सर्च करेगा, और वर्टिकल जो है वो वर्टिकल वाले को, वी वो जो है वर्टिकल वाले को सर्च करेगा। हाँ, सही सही बोला। ओके मैम, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है एडवांस वी लुकअप। ठीक है, ओके तो कट करके मैं इस पे पेस्ट कर दूं तो क्या होगा कि विथ वी लुकअप मैं सिर्फ इससे आगे का डेटा ले सकता हूं, इससे पीछे का डेटा नहीं ले सकता। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, अगर मुझे पीछे का डेटा लेना हो तो मतलब कि उल्टा वी लुकअप लगाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? तो जैसे कि मैंने मैच बताया, मान लीजिए मैं सिक्स नंबर का मुझे नेम चाहिए, ठीक है, नेम चाहिए, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैच का, जैसे कि मैच में चाहिए कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से काम करता है। तो एक क्या करेगा कि इस सात नंबर को सर्च करेगा इसके अंदर में और इसका सीक्वेंस नंबर बताएगा, तो बताया आठ, मतलब कि हमने यहां से काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 और आठ दे दिया। ठीक है, ओके, और हमारे पास दो फॉर्मूला है इससे डेटा को लुकअप करवाने का, हमें पता चलेगा कि ये आठवें नंबर रो पे हमारा डेटा है और पहला नंबर कॉलम पे पता ही है, तो एक इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है कि इसके अंदर आप पूरी की पूरी एक डेटा सिलेक्ट करो, जो भी आपका डेटा है उसको आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है, उसके बाद जो है आप इसको इसमें रो नंबर जिसकी आठ है हमारा, कॉलम नंबर वन लिख दोगे तो ये उसका रिकॉर्ड दिखा देगा, मतलब कि यहां से वो आठवें नंबर रो एंड पहला नंबर कॉलम का डेटा दे दिया। अगर दूसरा नंबर चाहिए तो वन को टू कर दो तो डेट दे देगा, टू को थ्री कर दो तो आपको सैलरी दे देगा। ठीक है, हाँ जी, तो इस तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं। तो अपोजिट वी लुकअप कैसे यूज करेंगे? ये वी लुकअप नहीं हुआ, अपोजिट वी लुकअप जैसा हुआ, उल्टा वी लुकअप जैसा हुआ। वी लुकअप किसी कीमत पे तो डेटा नहीं लेगा, लेकिन हम इंडेक्स और मैच को मिला के उसके जैसा हम काम कर सकते हैं। समझ गए? हाँ जी। तो अब मैं जहां पे मैनुअल आठ लिखा हूं, उस मैनुअल आठ को मैं यहां से कॉपी के जगह पे अपना हम जो मैच का फॉर्मूला है वो मैच का फॉर्मूला लगा दूंगा तो पूरी तरह से डायनेमिक हो जाएगा। मैं यहां पे सर्च करूंगा सिक्स नंबर आ जाएगा, एट नंबर, एट नंबर, टू नंबर, टू नंबर। लेकिन इंडेक्स फॉर्मूला में क्या दिक्कत हुआ? इंडेक्स फॉर्मूला में दिक्कत ये हुआ कि हमें ये ढूंढना पड़ा, क्या चीज़? मतलब हमें डेटा को सिलेक्ट करना पड़ रहा है। ओके, ठीक है, डेटा को कल के डेट में डेटा कम या ज्यादा हो सकता है ना, हाँ, तो उस केस में तो बार बार आपको डेटा को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा हो जो कि डेटा को चेंज करने की जरूरत हमें ना पड़े। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ऑफसेट। कौन सा?
ऑफसेट का फॉर्मूला ओके इक्वल ऑफसेट। ऑफसेट क्या करता है कि उसको डेटा जो है सिर्फ वो स्टार्टिंग को सिलेक्ट करता है यहां से, ओके ठीक है, कि डेटा को पूरा नहीं सिलेक्ट करता है, जस्ट स्टार्टिंग सिलेक्ट करता है, ओके और उसके बाद सेम इसमें रो नंबर, रो नंबर यहां पे 3 एंड कॉलम नंबर 2 रिजल्ट आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें एक कम होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें आप जो है ये कर सकते हो मतलब कि इंसर्ट कर सकते, मतलब कि मान लीजिए यहां पे 3 नंबर रो है ना, तो मुझे यहां पे 2 ही देना पड़ेगा, ऑफसेट में मुझे यहां पे 2 देना पड़ेगा, तो जब भी मैच का जो रिजल्ट होगा उससे माइनस एक कम 1 कर दीजिएगा, ये माइनस क्यों 1 करना पड़ता है, क्योंकि ऑफसेट 0 से काउंटिंग याद ये स्टार्ट करता है, ओके समझ गया? हाँ जी। कोई डाउट इसमें? नहीं। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी। अब नेक्स्ट इसमें ये आ गया हमारा उल्टा वी लुकअप की बात आ गई। अब दूसरा आता है जब हम वी लुकअप लगाते हैं, जब भी हम इसको इक्वल वी लुकअप करते हैं, तो ये लास्ट में हमें 0 1 का जो फंडा है ये क्या है? तो चलिए एक बार इसको हम समझ लेते हैं। ओके देखिए मैं मेरे पास एक और डेटा बनाता हूं, एक सेल्स रिपोर्ट बनाता हूं, जैसे सेल्स मैं रैंक बिल्डिंग का फॉर्मूला लगा के मैं रैंडम नंबर निकालता हूं, कॉपी और फिर इस पे मैं पेस्ट करता हूं। ठीक है, अभी मुझे इसमें इंसेंटिव निकालने हैं, तो जो 0 to 40 है मैं उसको 500 देना चाहता हूं, जो 41 to 60 है उसको मैं 1000 देना चाहता हूं, जो 61 to 80 है उसको मैं 1500 देना चाहता हूं, और जो 81 to 100 है उसको मैं 2000, और जो ग्रेटर देन 100 है उसको 5000 देना चाहता हूं। ठीक है, ये तो ये हो गया आपका। अब मुझे इस पे चाहिए, तो इसके लिए हो सकता है आगे चल के बहुत लंबा फॉर्मूला हो, लेकिन इसको वी लुकअप से कर सकते हैं। वी लुकअप से कैसे कर सकते हैं? वी लुकअप से करने के लिए हम आपको थोड़ा सा अलग एक अलग तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा 0 41 जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग यहाँ पे हम रख देते हैं 41 61 81 and 10, और फिर इसके आगे इसका ये देते पेस्ट। फिर मैं यहां पे वी लुकअप का फॉर्मा लगाता हूं, वी लुकअप इसको सिलेक्ट किया
टेबल एरे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड कॉमा टू कॉमा जीरो के जगह पे मैं यहाँ पे वन या फिर ट्रू दूंगा, ठीक है ना, लास्ट में ट्रू देना होगा हमको यहाँ पे। यार ट्रू का क्यों यूज कर रहे हो, फॉल्स का यूज क्यों नहीं कर रहे? फॉल्स का यूज हम इसलिए नहीं कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि फॉल्स क्या करता है, एग्जैक्ट मैच करता है और मुझे यहाँ पे ग्रुपिंग करना है, मतलब एक एवरेज में निकालना है। हाँ एक्सपेक्टेड एवरेज नहीं मैम, ग्रुप नहीं समझे, कि जो 0 से 40 तक हो उस पे 500 सो होना चाहिए, जो 41 से आपका 1000 हो वहां पे दिखना चाहिए, हाँ, और जो 81 से 100 है उस पे दिखना चाहिए, ग्रुप करना चाहिए कि एक आए तो हमें कुछ और शो होना है, दो आए तो कुछ और शो होना है, मतलब समझे ग्रुप ग्रुपिंग करना है कि 0 से 41 पे 500 दिखाना है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रू के जगह हुआ मैंने ये कर दिया जीरो कर दिया मैंने फॉल्स कर दिया तो क्या होगा, वो एग्जैक्ट दिखाएगा, उसको नहीं दिखाएगा, ग्रुपिंग नहीं कर पाएगा। हाँ ग्रुपिंग मतलब कि एग्जैक्ट हो जाएगा ना, फिर तो एग्जैक्ट मैच करेगा और हमें यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे फॉल्स मैंने वन डालने पे टू डालने पे क्या हो जाता है कि वो एक ग्रुप लुकिंग करता है, मतलब कि मिलता जुलता, ठीक है, और डिजिटल रहता है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि जीरो क्या बोल रहा है, तो बोलिएगा जीरो होता है कि आप एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं तो जीरो या फॉल्स डाल सकते हो, जब आपको एग्जैक्ट मैच नहीं करना है तो उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं, जो वन डालेंगे जैसे कि आपको इंसेंटिव निकालना है तो उसकी उस केस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किस केस में इंसेंटिव निकालना है ना, जैसे इंसेंटिव निकालना है कि एक स्लैब है, हाँ, तो स्लैब हमारा 0 to 40 41 to 60 स्लैब है ना, तो स्लैब को हमने इस तरह से लिख दिया और यहाँ पे हम इसका यूज कर रहे हैं लुकअप। इंसेंटिव में हम ट्रू का यूज करेंगे ना? हाँ ट्रू का यूज करेंगे। ठीक है, हाँ तो ये आपका वी लुकअप का टॉपिक हो गया। वी लुकअप में जो एडवांस थिंग थी वो भी मैंने आपको यहां पे बता दी। अब भी बात आती है कि प्रैक्टिस की, आप अपनी एडवांस में ये ऑफसेट आता है मैच इंडेक्स को, हाँ मैच इंडेक्स को कंबाइन करना, एज लुकअप को देखना और क्या बोलते हैं इस तरह से लुकअप, इसमें लुक ये जो तरीका मतलब एडवांस लुकअप में अगर कोई मुझे, हाँ एडवांस अगर मुझसे कोई एडवांस लुकअप पूछता है कि लुकअप एडवांस लुकअप पूछता है तो मैच इंडेक्स मैच ऑफसेट बता सकते हो कि मैच के साथ इंडेक्स का यूज करना, मैच के साथ ऑफसेट का यूज करना, लुकअप में भी लुकअप में जीरो का इस्तेमाल करना, या फिर एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको कि अगर आपके पास मोर देन वन कंडीशन से लुकअप करना हो तो कैसे करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया और यहाँ पे सिटी लिख दिया, जैसे कि मैंने बोला आपको कि हमेशा एक यूनिक आईडी के बिहाफ पे वर्क करता है, एक यूनिक आईडी के बिहाफ पे वर्क करता है, हाँ। तो अगर मान लो कि मेरे पास यूनिक नहीं है डुप्लीकेट है तो कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पुनीत जो है वो दिल्ली में भी है और किसी और सिटी गुड़गांव में भी है, तो मुझे सेल्स को लुकअप करना है और बताना है कि जो पुनीत दिल्ली में है उसका सेल्स चाहिए। तो उसके लिए क्या लगाएंगे, उसके लिए यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला वी लुकअप, लेकिन वी लुकअप तो ऐसा करेगा नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे एक और कॉलम को ऐड कर देंगे यहां पे और मैं दिल्ली को &% का साइन से नेम के साथ कंबाइन कर दूंगा, मैं पुनीत दिल्ली, या इसके साथ अगर आप डैश लगा दो सेपरेटर लगा दो तो सही रहेगा,
पुनीत-दिल्ली, ऐसे इंदौर, नोएडा, गुड़गांव, इस तरह से हमने कर दिया। फिर जब मैं यहां पे वी लुकअप लगाऊंगा तो यहां पे मैं सेम नेम को एंड परसेंट की मदद से ज्वाइंट कर दूंगा इसके सिटी से, और फिर मैं यहां से इसकी लुकअप करूंगा तो हमें इसका आ जाएगा रिजल्ट। ओके, ठीक है, हाँ जी। तो ए हमारा लिखा मिला, तो इसमें प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट होगा तो कल मुझसे पूछ लीजिएगा। इसकी फाइल और इसकी वीडियो मैं आपको भेज देता हूँ, और बाकी सम काउंट ये कल वाले कल, हाँ कल की क्लास में आपको बाकी जितनी भी चीजें हैं वो आपको हम समझा देंगे। इसकी प्रैक्टिस थोड़ी जरूरत है क्योंकि अभी, हाँ अभी